लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, कलेक्टर ऑफिस, इन सबका साझा प्रयास है। साझे प्रयास में जो जॉइंट एफर्ट होता है, जॉइंट एफर्ट में ऐसा ही होता है कि जब एक आगे जाता है, दूसरा पीछे वेट करता है, फिर दूसरा आगे जाता है, इस तरह से रिसाइकिलिंग चलता रहता है। ये एक नॉर्मल ऑपरेशन का एक तरीका है। कितना समय लगेगा क्या शहर? 3 से 4 घंटे में भी हो सकता है, और मेरे ख्याल से थोड़ा और वक्त लग सकता है, क्योंकि पत्थर हैं जैसे कि आप लोग सब जानते हैं। टाइम का एग्जैक्ट अंदाजा नहीं बता पाऊंगा, अभी डीजी ट्रैकर से हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, आपको थोड़ी देर के बाद ही इस तरह का जानकारी मिल पाएगा। ये इससे हम हाइड्रोलिक का एक सपोर्ट बना रहे हैं, जैसे कि जैसे हाइड्रोलिक जो मशीन है, जो न्यूमेटिक मशीन है फॉर रॉक ड्रिल, उसको सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि वो रॉक ड्रिल को हमें सामने की तरफ पुश करना है, जैसे कि हम गन चलाते हैं उस तरह से, तो हम उसके लिए एक सपोर्ट बना रहे हैं जिसकी वजह से हम उस पर लिवर एफर्ट लगा सकें। राहुल को क्षति इसलिए हम ये बना रहे हैं, अगर हमें राहुल की क्षति की परवाह नहीं होती तो हम उसे डायरेक्ट ड्रिल कर सकते थे बड़े मशीन के साथ। अभी हम ये चाहते नहीं कि कोई हानि आ सके बच्चे को, और बहुत ही इंट्रिकेट ऑपरेशन है, अगर नॉर्मल ऑपरेशन होता तो हम इसे खोद के भी निकाल सकते हैं, लेकिन बच्चे को हानि ना आए इसलिए ये सब कवायद चल रही है।